वेलकम बैक टू ममाज वर्ल्ड। अभी रुद्रांश सो रहा है, उसका बात हो चुका है, बहुत आराम से वो नींद ले रहा है उसकी। और जब बच्चे का बात होता है उसी के बाद उसके नेल्स काटने चाहिए, क्योंकि नेल्स जो है थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं बात के बाद। तो ये मैं उसके नेल्स हटाऊंगी, ये है बेबी नेल कटर, ये साइज़ में छोटा होता है, इससे बच्चों के नेल्स ज़्यादा अंदर तक कटने का चांस नहीं रहता। ये बड़ों का नेल कटर है, मैं दोनों लगा के दिखा रही हूँ आपको, तो आप डिफरेंस समझ पाओगे। तो बेबी नेल कटर अलग से अवेलेबल है, बहुत वैरायटी में अवेलेबल है। मैं ये सिंपल डिज़ाइन वाला यूज़ कर रही हूँ, बहुत सारे अलग अलग प्रोटेक्शन ऊपर से कवर्ड रहता है और बहुत कलरफुल भी अवेलेबल है, आप ला सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं इस हाथ से। तो आपको एक हाथ से बेबी की जो, पहले मुझे ओपन करने दो नेल कटर को। एक हाथ से बेबी के उंगली को आपको पकड़ना है, ज़्यादा ज़ोर से दबा के नहीं पकड़ना है, बट जितना एरिया पकड़ रहे हो फर्मली पकड़ना है, ताकि नींद में भी अगर बच्चा हिलता है तो उसको लगे नहीं। दूसरे हाथ से नेल कटर को इस तरह पकड़ के उसके नेल्स काटने स्टार्ट करने हैं। तो ध्यान रखिए कि आप केयरफुली नेल्स हटाओ, क्योंकि बच्चा हिल भी सकता है नींद में। नेल्स काटना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे मैंने अपने ईयर इन्फेक्शन वाले वीडियो में बताया कि उससे ईयर इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चा सोते हुए भी हाथ जो है आँख के पास लेके जाता है और आँख को रब करता रहता है, तो उसको लगने के चांसेस रहते हैं। तो आप कोशिश करो कि उसके नेल्स टाइमली कट करो। मैं एवरी वीक उसके नेल्स काटती हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत कम हो तो मत काटो, थोड़े से बढ़ने दो, अदरवाइज उसको लग सकता है। तो इसी तरह से देखो कैसे मैंने एक हाथ से पकड़ा है उंगली को फर्मली, आराम से पकड़ना है, और दूसरे हाथ से नेल कटर से काटना है। बहुत इजी है, बट थोड़ा केयरफुल रहना है बस, क्योंकि बच्चों की जो स्किन है बहुत डेली होती है, तो उनको ज़ख्म ना हो इसलिए केयरफुल रहना है। तो इसी तरह मैं बाकी उंगलियों के भी हटाऊँगी इस हाथ के। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि दूसरे हाथ के कैसे, मतलब कैसे होल्ड करना है, क्या पोजीशन होना चाहिए। उसके पहले ये देखिए, ये जो है मैंने इस हाथ के नेल्स हटाए हैं, आप देख सकते हो जो नेल्स हटाए मैंने। तो अभी हम दूसरे हाथ का नेल्स काटेंगे सेम तरीके से, इस तरह आपको होल्ड करना है दूसरा हाथ, और उसकी उंगली से स्टार्ट करते हैं। तो उंगली को इस तरह पकड़ना है और आराम से पकड़ना है, लेकिन फर्मली पकड़ना है, ताकि हाथ हिले नहीं अगर वो हिल भी जाए तो। बच्चे सडनली नींद में भी सडनली हिलते हैं, इसलिए हाथ को उंगली को फर्मली होल्ड करना है। तो ये देखिए मैंने ये नेल को कट कर दिया है। तो इसी तरह मैं अभी दूसरी उंगली के भी नेल्स काट रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरह बाकी उंगलियों के भी हम कट करेंगे। इसी तरह आप पाँव के भी नेल्स कट कर सकते हो। एक हाथ से पाँव को फॉर्मली पकड़ना है, पाँव की उंगली को, और दूसरे हाथ से आपको नेल्स काटने हैं। बहुत इजी है, बट सिर्फ केयरफुल रहना ज़रूरी है। अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो ट्यूटोरियल, जैसे नेल्स कैसे नेल्स कट करते बेबी के, तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। Thank you.